नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग 27 मार्च, दूसरे चरण की वोटिंग 1 अप्रैल को हो चुकी है। 6 अप्रैल को तीसरे चरण में 40 सीटों पर वोटिंग होगी। 2 मई को नतीजे आएंगे। बहुमत के लिए 64 सीटें जीतनी जरूरी है। वहीं इस बीच असम में तीसरे और आखिरी फेज की वोटिंग से पहले 2 सरकारी कर्मचारियों को चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामला बारपेटा जिले के चुनाव आयोग के दफ्तर का है। यहां से 2 सरकारी कर्मचारी 55 लाख रुपए की चोरी करते पकड़े गए हैं। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। आपको बता दें, एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक चोरी की ये घटना 3 अप्रैल सुबह की है, जिसके बाद बारपेटा के पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई गई। इस मामले में पुलिस ने 2 सरकारी कर्मचारियों को कथित तौर पर 55 लाख रुपए की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की गई रकम भी बरामद की जा चुकी है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों कर्मचारी चुनाव आयोग के दफ्तर में ही काम करते थे। इनमें से एक कंप्यूटर ऑपरेटर था और दूसरा जूनियर असिस्टेंट के पद पर काम कर रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक जो रकम चोरी की गई थी, वो 6 अप्रैल को होने वाली आखिरी फेज की वोटिंग के दौरान चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों पर खर्च होनी थी। पुलिस ने बताया कि 6 अप्रैल को असम में आखिरी फेज की वोटिंग होनी है। इस दौरान बारपेटा में जिन भी लोगों की चुनाव में ड्यूटी लगनी थी, उनके नाश्ते पानी और खर्च के लिए ये 55 लाख रुपए 2 अप्रैल को विड्रॉ किए गए थे। इन पैसों को इलेक्शन ऑफिसर के चैम्बर में रखा गया था, वहीं से ये पैसे चोरी हुए थे। पुलिस ने ये भी बताया कि चोरी की रकम शहर के 5 अलग अलग ठिकानों से बरामद की गई है। फिलहाल मामले की आगे की जांच चल रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।